लोगों से कह रहे हैं कि आपके पास जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान दे दो, फ्लैट दे दो, बंगला दे दो, घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, सोना चांदी बैंक एफडी मंगलसूत्र अंगूठी लुगाई लड़का छोड़ के सब मुझे दे दो। ये हमारा डिस्क्लेमर रहता है दरबार के पहले का। लोगों को जो भावनाएं रहती हैं कि गुरु परंपरा के लोग और साधु लोग दरबार इसलिए लगाते हैं, भगवान को इसलिए रखते हैं कि ये कमाई का जरिया बनाते हैं, और हमने अपने दरबार में बैनर लगा करके वो माइक पर ठोक करके बोलते हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं लगता, पर अगर तुम शिष्य मानते हो अपने आप को और हम गुरु हैं तो गुरु परंपरा के नाते अगर कुछ भी तुम दे दो, अगर आप भी इंडिया टीवी का ये हाउस हमारे नाम करें हमें कोई दिक्कत, और लेते भी हैं, लेना बुरा नहीं है, उपयोगिता बुरी है, लेकर के उसका सदुपयोग करते या दुरुपयोग करते, हम लेते हैं, कोई अगर देता है तो स्वीकार करते गुरु के नाते। हम उस परंपरा से हैं जहां अंगूठा तक दान गुरु को दे दिया जाता है, हम भी लेते हैं। कितना कमा लेते हैं? हमारी तो कोई फिक्स कमाई नहीं है, क्योंकि हमारी कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है, कोई चढ़ा जाता है। हमारे पास करोड़ों सनातनियों का प्यार, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं, हजारों संतों का आशीर्वाद, इतनी कोई हिसाब किताब तो रखता होगा ना कि कितना पैसा आया, जितने सनातनी उतनी कमाई, हिसाब आप लगाओ। ज्यादा बातें इसलिए होती हैं क्योंकि आप चुप स्टंट करते हैं पब्लिसिटी के लिए। आप ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं, आप कहते हैं कि बिना वीजा के हनुमान जी रावण की लंका में घुस गए थे। ये जो मॉडर्न युवान भाई बहन है, इनको लंका प्रवेश के बारे में बताएंगे तो इनको ये लगता है कि ये घिसी पिटी बातें इनके दादा परदादा बताते रहे, ये बेचारे ऊब गए। इनको कुछ ऐसा चाहिए कि उस अध्यात्म से ये कनेक्ट हो पाए। जैसे रावण ने मुझसे फोन पे बात की। हाँ बिल्कुल, हम वही बोलने ही वाले थे, लगता है आज हमारी शक्ति आपके पास पहुंच गई। तो हमें आपको समझाना है, रावण से फोन का बात का मतलब सबके अंदर रावण बैठा है, कोई ऐसा दुनिया में नहीं जो गलत कृत्य देख रहा, गलत कर रहा और सच जानते हुए चुप है, वो रावण की दृष्टि का आदमी। तो हनुमान जी लंका गए, इसको इन युवानों को कैसे जोड़े, इन्हें तो बीजा पाठपोष फॉरेनर ये शब्द पता है, तो इनसे कनेक्ट करने के लिए हमारा अध्यात्म इतना विशाल और इतना अथाह है कि उसमें कुछ भी आप डाल दो वो स्वीकार। आप सोच रहे हैं कि आपको अध्यात्म पता है, इनको नहीं पता, इस देश की जनता को आपसे ज्यादा अध्यात्म पता है। ऐसा हमने नहीं कहा, हमें अपने हिसाब का पता है, उन्हें अपने हिसाब का, वो अपने में श्रेष्ठ हैं, हम अपने में कोशिश कर रहे हैं विद्यार्थी, हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम श्रेष्ठ हैं, और ये आरोप हमें नहीं लगता कि ठीक है। आपका ये कहना कि मेरे पास एक गधा है जिसमें वाईफाई है और वो प्लेन में भी वाईफाई चलता है, ये मजाक की बातें नहीं है? लोगों की दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत गहरा विषय है। मजाक की दृष्टि से अगर कोई देखेगा तो देखो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूलत देखी तिन तैसी। भगवान को, भगवान की कोई लीला को सिर्फ रासलीला को उठाते हैं, लेकिन हम तो महाभारत भी उठाते हैं। तो अपनी अपनी दृष्टि है, हम ये मजाक में नहीं कहते, हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारे देवी देवताओं से जो हमारे इष्ट की परंपरा की जो निशानी है वो अगर नज़दीक रहे, गुरु की निशानी अगर नज़दीक रहे, माता पिता की बातों की निशानी नज़दीक रहे, तो बेटा कभी गलती नहीं करेगा, वो चार चांद लगाता रहेगा। शास्त्री जी, इसको कहते हैं आप अंधों के शहर में आईना बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हमारा भाव नहीं है, अपितु हमारा भाव ये है कि उस केवल वाईफाई को हम बताते नहीं, उसकी महिमा भी बताते हैं, और दरबार में आने वाले लोगों को उसकी महिमा का अनुभव भी कराते हैं। तो फिर वो जो बात मजाक की है ना, वो फिर अध्यात्म आस्था ईश्वर से जुड़ करके नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। देखिए, आपको भोले भाले लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये मैं मजाक में कह रहा हूं, विनोदम कहते हैं, और ये मैं असल में बहुत बार बोलते हैं विनोदम कर रहे हैं, हम बहुत बार बोलते हैं। अब कोई हमारे विनोद को सीरियस ले ले तो वो उसका निजी अनुभव। तो अब मैं लोगों को बता दूं कि एक बार बगैर टिकट पकड़े गए थे आप रेलवे में। हाँ, ये तो बताना चाहिए, बिल्कुल पकड़े गए थे, लेकिन ये भी बताइए कि हम टीटी से ही 1100 रुपया लेकर आए थे।
उसी टीटी से लेकर आए थे, जिस वाईफाई की आपने चर्चा की उसी वाईफाई की दम पर उसके बाप का नाम बताकर लेकर आए थे। इसी तरह की बातें कह के ऐसे दिखाते हैं जैसे चमत्कार कर दिया, जैसे मेरे ऊपर हनुमान जी की बहुत कृपा हो गई, मैं भविष्यवक्ता हूं, और फिर जो भोले भाले लोग हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। हमने कभी एक नहीं दावा किया कि हम चमत्कारी हैं। आज भी आपकी अदालत में हम कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं है, हम एक आम इंसान हैं। लेकिन हमारी अपने इष्ट के प्रति आस्था, ऋषि परंपरा के प्रति आस्था है, जो महर्षि वाल्मीकि से पत्र दरबार की महिमा चली है, उस महिमा का हम अनुकरण करते हैं और उस आस्था में उलझनों में का रास्ता मिल जाता है, तो उसे आप चाहे चमत्कार मानिए अथवा फिर आप अपनी बुद्धि से जो जिसने जो जाना वो हमें माना। देखिए शास्त्री जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, बीमारियों से थके हारे हैं, डॉक्टर से आशा छूट जाती है, हॉस्पिटल से आशा छूट जाती है, वो आपके पास आते हैं, वो सोचते हैं यहाँ इलाज मिलेगा, किसी का बच्चा बोल नहीं सकता, किसी का बच्चा चल नहीं सकता, वो लोग बड़ी आस्था विश्वास लेके जो मैंने जानकारी हासिल की वो आते हैं, सोचते हैं कि यहाँ से शायद उन्हें कोई रास्ता दिख जाएगा और उन्हें मिल जाता है। जो आते हैं श्रद्धापूर्वक आते हैं, देखो जिंदगी में अगर वो परेशान है और डॉक्टर से परेशान होकर के या कहीं से भी निराश होकर के आया और उसे कुछ मिले ना मिले, हम ये तो नहीं कहते, जिसकी जितनी निष्ठा उसको उतना हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में मिलता, और अगर नहीं मिलता, अगर उसे जीवन जीने की अगर डांडस और सातावना मिलती है तो क्या ये भी कम है? बिना पैसों में, बिना दक्षिणा दिए, बिना कुछ लगे अगर हनुमान जी से जुड़ रहा, अगर वो प्रभु से जुड़ रहा, अगर उसे जीवन जीने में चार दिन की जिंदगी है, डॉक्टर ने कह दिया तो मर जाओगे, लेकिन बागेश्वर धाम के नाम से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है कि मेरा हारे का सहारा है, तो अगर ये मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आती इससे किसी को गुस्ताखी क्यों? देखिए अगर बागेश्वर धाम आने से लू का इलाज हो जाता है तो फिर आपको कैंसर हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत? यही तो हम बताना चाहते हैं कि दुआ और दवा दोनों आवश्यक है। हमने ये नहीं कहा कि हम डॉक्टरों के खिलाफ हैं। अब मैंने पूछ लिया तो आपने दवा ऐड कर दिया उसमें? नहीं, हमने औषधालय बागेश्वर धाम पर खुलवाया है और मंदिर के समीप खुलवाया है, वहां पर ग्राम पंचायत का भवन है, वहां पर आयुर्वेदिक औषधालय है, दुआ और दवा मतलब नीचे दवा है और वहां ठीक नहीं हुए तो दुआ के लिए चढ़ जाओ मंदिर पर, दोनों काम करेगा। और ये कोई नई बात नहीं है, हमने ऐड नहीं की, डॉक्टर खुद ऐड करता है, ऑपरेशन करता है, जब ठीक नहीं होता तो वो भी कहता है तुम भी प्रार्थना करो। लेकिन ये सही है कि जिस इलाके में आप हैं उस इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी तरह पर्ची निकालते हैं, जो इसी तरह दुआ की बात करते हैं। पूरे भारत में ऋषि परंपरा के अनेक लोग हैं, बहुत लोग तो नहीं कह सकते पर अनेक लोग पूरे भारत में, केवल हमारे इलाके में नहीं पूरे भारत में। हमारे इलाके में बागेश्वर बालाजी की महिमा और दादा गुरुजी के पास दरबार से, कृपा से बहुत से महापुरुष और भी। मैं बताता हूँ, एक लवलेश नाम के गुरुजी हैं, 20 साल की उम्र है और वो भी इसी तरह से पर्ची निकालते हैं, वो भी इसी तरह से। हम कभी ऐसे मिले नहीं, इस भाव से हमारा कभी मिलना नहीं हुआ और इस विषय पर उनका निज मत हो हम कह नहीं सकते, ईश्वर जाने। मत तो पता नहीं, उनके ऊपर रेप का इल्जाम है और वो जेल में है, कह नहीं सकते। तो उस एरिया में ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी हम अर्जी लगाने के हिसाब से घूमे नहीं हैं। आप कहो तो इस बार जाकर के घूमेंगे कितने लोग हैं। अभी तो हमें एक पता है, छतरपुर जिले में एक गढ़ा गांव है, वहां बागेश्वर धाम है, वहां सदगुरु सन्यासी बाबा से परंपरा चली दरबार की, आप भी आइए। ये बात सही है कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमारे पास सिद्धि है। एक जयपुर में है, उन्होंने बताया कि मैंने कर्ण पिशाच को साधा हुआ है और वो भी किसी की भी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं, किसी के परिवार वालों का नाम बता देते हैं। हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं, ना हमने ऐसी कोई साधना कर रखी है। हमारे पास सिर्फ अपने इष्ट पर हनुमान जी पर भरोसा है, जो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। ना हम कोई डेट बताते हैं, ना हम कोई नाम बताते हैं, और अगर उनकी कृपा से पता चल जाए तो कोई बुरी बात नहीं। जनता से जो सवाल पूछना चाहते हैं, आमतौर पर क्या होता है कि संत का नाम आते ही हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि गाड़ी होगी, बहुत ही जो उनकी वेशभूषा होगी बहुत ही सिंपल और सरल होगी, लेकिन आपकी वेशभूषा देख के, टोपी देख के लगता है एकदम कलरफुल रहता है आपके। दुनिया ही रंगीन है तो साधु को भी रंगीन होना चाहिए। बहुत बढ़िया, जब सात रंगों की भरी दुनिया है माई डियर सिस्टर, सात रंगों से भरी दुनिया है तो मुझे क्या दिक्कत है, और हम कोई साधु नहीं,
हम कोई महात्मा नहीं ना हमने चोला ले रखा है, हम एक वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करेंगे, हम एक गुरु के शिष्य हैं और आम इंसान हैं, और अगर कोई सरनेम पूछे तो हम शुक्लवंशीय सरयूपारी ब्राह्मण हैं। तो जो सात ब्राह्मणों की वेशभूषा है वो हमने धारण की, गुरु के नाते हमने ये पादुका अपनी एक परंपरा को निर्वाहन करने के लिए धारण की, और टोपी कोई आया तो दे गया, अगर आप कुछ दो बहन हमें तो वो भी स्वीकार है। आप चाहो तो कुछ हमें पहनने को दे सकते हो, हम पहन लेंगे। एक वेबसाइट ने लिखा कि ये जो टोपी पहनते हैं ये पहनाने वाले से भी कुछ गुरु दक्षिणा लेते हैं, जो कपड़े पहनते हैं जो कपड़े जिसके दिए पहनते हैं उससे भी कुछ पैसा लेते आज हैं। तक ऐसा कोई मिला नहीं है, खोज जारी है। किसी ने हमें आज तक दक्षिणा नहीं दी टोपी पहनाने के नाम पर या कपड़े पहनाने के नाम पर। हम तो राह चलते कोई मिल जाता है तो उसका पहन लेते अपना दे देते हैं, हम तो साधु उस परंपरा के हैं, उस परंपरा के। लेकिन अच्छे लगते हैं आपको ये रंग बिरंगे कपड़े? बहुत आनंद आता है, क्या दिक्कत है साहब? किसी को दिक्कत है वो हमसे ज्यादा रंगीन पहने। एक शायर ने कहा कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, आपका लहजा बता रहा है आपकी दौलत ये शोहरत नहीं नहीं रही। लोगों को लगता है, हमें लगता है कि हमारे जीवन में न हमें धन प्रिय है, न मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, हमें हनुमान प्रिय है, और हमने जब से जन्म लिया तब से हम धनवान है क्योंकि हमारे हनुमान है। और दुनिया का प्रत्येक हनुमान भक्त धनवान है जिसके जीवन में हनुमान है। वो निर्धन है इस दुनिया में जिसके जीवन में भगवान नहीं, वो निर्धन है। और अगर बाप हनुमान हो और धनवान हनुमान हो और उनका भक्त अगर रंगीन ना हो, पीला लाल ना हो, जब हनुमान जी लाल देह लाली से हो सकता तो लाल पगड़ी क्यों नहीं हो सकती? ये मुझे पता चल गया है कि आप इसी तरह की डायलॉग बाजी करके ही इतने पॉपुलर हुए हैं।